आकांक्षा, आज हम ओस्मोसिस के बारे में जानने वाले हैं कि ओस्मोसिस क्या होता है, बहुत बेसिक जानेंगे। इससे पहले मैंने अपनी डिफ्यूजन की वीडियो जो है मैंने डिफ्यूजन की वीडियो अपलोड की है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आज हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस के बारे में। स्टार्ट करने से पहले कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आती हूँ ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। तो अगर आप लोगों को उससे हेल्पफुल मिल रहा है, ठीक है, अगर वो आपके लिए मददगारी हो रही है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम एक तरीके से आपसे अप्रिशिएशन मांग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ओस्मोसिस, और डिफ्यूजन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो ओस्मोसिस स्टार्ट करते हैं। ओस्मोसिस का है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। हमने डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था, याद रखना, वहां पर सॉल्यूट का मूवमेंट होता है और ओस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, जो कि है हम ले लेते हैं वाटर एज अ सॉल्वेंट। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर आप देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर सोलवेंट का मूवमेंट हो रहा है किधर की तरफ से, फ्रॉम ए लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन, जहाँ पर सोल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है। जैसे मैंने आपको इंक डालकर दिखाई थी डिफ्यूजन वाले में, अगर हम ऊपर से इंक डाल रहे हैं तो जहाँ पर डली वहाँ पर कंसेंट्रेशन हाई होगा, और जहाँ तक वो फैलती जा रही है वो लो कंसेंट्रेशन में फैलती जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ए लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। ये बीकर देख लो, यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर आपका सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बहुत हाई है और यहाँ पर सारे में आपका सॉल्वेंट है, तो इसका जो वाटर का मूवमेंट होगा वो सॉल्यूट की तरफ को, जहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन है सॉल्यूट का वहाँ की तरफ को मूवमेंट होगा, ठीक है। ये है एक ओस्मोसिस ओस्मोसिस प्रोसेस। सो जो ओस्मोसिस जो प्रोसेस है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, डिफ्यूजन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए वो एक पैसिव प्रोसेस था। इसी तरीके से ओस्मोसिस भी एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल टू लो सॉल्वेंट पोटेंशियल थ्रू अ पार्शियली मैम्ब्रेन एंड सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। अब आप समझिए ये क्या कह रहा है, इस लाइन में भी ये पहली वाली लाइन को अलग लैंग्वेज में बोल रहा है, ठीक है। देखो कैसे इसमें कह रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, फ्रॉम हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल टू लो सॉल्वेंट पोटेंशियल। अब यहाँ पे था लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट, ठीक है, लो सॉल्यूट यहाँ पर होगा, ठीक है, और ये हाई सॉल्यूट की तरफ को वाटर पहुंच रहा था। अब इसमें इन्होंने कह दिया है कि हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल, सो हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल कहाँ पे होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल से लेके लो सॉल्वेंट पोटेंशियल, अब यहाँ पर सॉल्वेंट की क्या होगी, मात्रा कम होगी, इसलिए जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां पर सॉल्वेंट कम होगा, और जहां पर सॉल्वेंट कम होगा वहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा, ये तो बात नॉर्मल हो गई। तो इसमें इन्होंने बेसिकली यही कहा हुआ है कि मूवमेंट यहां से यहां होगा, ठीक है, लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ को होगा, और हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ को मूवमेंट होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोसिस, ओस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। और इसमें क्या होगा, सेमी परमिएबल का काम होगा, ठीक है, सेमी परमिएबल सिलेक्टिवली अलाउ द पैसेज ऑफ अ सॉल्वेंट व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ओस्मोसिस में ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये काम क्या कर रही है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को तो अलाउ कर रही है मूवमेंट के लिए, जबकि जो सॉल्यूट है उसको रोक रही है। ये याद रखना, ओस्मोसिस के प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के मूवमेंट को तो अलाउ करती है जबकि सॉल्यूट के मूवमेंट को रोक देती है।
उसको अलाउ नहीं करती है. सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. अब इसमें भी इन्होंने ये बताया है कि वाटर का डिफ्यूजन किधर की तरफ से हो रहा है, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ को मूवमेंट हो रहा है. डिफ्यूजन ऑफ वाटर ए प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. इन्होंने बताया है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर, जो डिफ्यूजन हमने प्रोसेस पढ़ी थी, वो किसका पार्ट है, एक प्रोसेस है कौन सा, ऑस्मोसिस का. इसमें क्या हो रहा है, विल अकर ओनली व्हेन द टू चैम्बर आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब आप ये याद रखना कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, जहां पर दो चैम्बर आप एक दूसरे से सेपरेट होंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. याद रख लेना, जहां भी कहीं भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाएगा, अगर आपसे पूछे कि डिफ्यूजन प्रोसेस है या फिर ऑस्मोसिस प्रेशर है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि अगर वहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वहां पर ऑस्मोसिस हो रही है. इन्होंने कहा है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस वहीं पर होगी जहां पर दो चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोसिस के बारे में हमने क्या कहा, इसमें क्या बात याद रखनी है आपको, मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का, ठीक है, फ्रॉम इन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ को, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को. यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा कम है. तो और जहाँ पे हाई सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था एक सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. सॉल्वेंट वो होगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, एंड सॉल्यूट क्या होगा, जैसे हमने इंक डालकर दिखाई थी, जिसका जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन, ठीक है. इसमें अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकता है, ठीक है. अ प्रेशर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. आई होप आप लोगों को ऑस्मोसिस समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी. वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना. मैंने अनदर चैनल भी ओपन किया है, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आए. वो एक ब्लॉगिंग चैनल है, थोड़ा जनरल चीज़ें होंगी उसमें, प्लांट्स के बारे में भी आपको वहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी. तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर आप चाहते हैं तो. थैंक यू.